आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है आगे को। क्या क्या सुविधा नहीं मिल रही है? पेंशन, ये पेंशन है। आधार कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? जिससे हमारे हाथ के कुछ निशान नहीं आए, ये कुछ परेशानी हुई। आधार कार्ड होने से क्या क्या समस्याएं हैं आपके और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? उसमें साहब दिक्कत हुई कि जिस वक्त मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे वो अंगूठे की निशानी नहीं आ रही थी ढंग से। कितनी बार जाना पड़ा आपको वहाँ पे? 3 दफा जाना पड़ा मुझे। आधार कार्ड होने से और क्या समस्याएं? कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की? पहचान पत्र होता है वो साहब नहीं था मेरे पास में, और उस पर बाबू जी थे मुझे बड़े जो वहाँ पे आए तो वो मुझे यहाँ ले गया है। अच्छा, आधार कार्ड ना होने से आपको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं जैसे पेंशन है और वो नहीं मिल, क्या क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? जैसे मुझे कार्ड है वो इसका पेंशन का वो नहीं मेरा बन पा रहे आप। जहाँ तक आपने वृद्धावस्था आश्रम की बात की थी उसमें कतिपय वृद्ध ऐसे हैं जिनके पास के अपना कोई देखिए देखिए वो आईडी नहीं है उनके पास, और जैसे आप जानती हैं कि ये आधार बनवाना है तो आईडी आपके अत्यावश्यक है, तो जिनके पास आईडी नहीं है या क्या दूर के प्रांतों से यहाँ आ गए हैं और समाज कल्याण विभाग ऐसे वृद्धों को जो निरीह हैं या निराश्रित हैं या परिवार द्वारा उनको तो शायद सपोर्ट नहीं प्राप्त होता है, उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वस्त्र और निःशुल्क रहने की व्यवस्था देता है, और जहाँ तक आधार कार्ड बन नहीं पाते जब तक कि उनका पता आइडेंटिफाई ना हो या वो ना बता पाएँ या उनके पास ये आईडी ना हो तो उस टाइम तो आप जानते हैं कि एक्ट के हिसाब से आधार कार्ड नहीं बन सकता, तो इसलिए हम ट्रेस करते रहते हैं। कई बार अति वृद्ध लोग होते हैं तो अपना ही बता ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा एड्रेस क्या है और हमारे पते क्या हैं, उनमें समस्या तो जाना स्वाभाविक है।